नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका दोस्त फिर से हाजिर हूं अपने चैनल पे आपके लिए एक निफ्टी सीरीज़ का नया वीडियो लेके। और आज हम बात करेंगे कि आज 6 जून है और 6 बज गए हैं। देखते हैं कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट में हाइक करने के लिए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, जिसका बाकी मार्केट पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट रहा। बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा, बाजार ने अपने हाई को तोड़ के बाजार एक बार लो के पास भी आया, फिर वापस बाजार ने सस्टेन किया अपने आप को, वापस खबर को डिस्काउंट करते हुए मार्केट फिर से रिवाइव हुआ। देखते हैं आज क्या हुआ है दोस्तों। मेरा उद्देश्य आपको खाली इन्फॉर्म करने का है, और बिल्कुल भी आपको नहीं चाहता कि आप मेरी ही कई बातों को माने। पहले एनालाइज करें, सोचें, सर्च करें, गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, अपने एनालिस्ट से पूछें, उसके बाद ही मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं मेरे वीडियोज़, तो आप अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उनको लाइक करें। आज की निफ्टी एनालिसिस सीरीज़ का 6 जून का वीडियो है। चलिए ले चलते हैं आपको निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और देखिए आज की दिन की शुरुआत की फर्स्ट कैंडल 9:15 की रेड कैंडल स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये रेड कैंडल स्टार्ट हुई, सेकंड कैंडल 9:30 भी रेड रही। उसके बाद बाजार ने थोड़ा सा, आप ये देखिए बाइंग स्टार्ट हुई है, या नीचे देख सकते हैं बाइंग जब स्टार्ट हुई है, उसके बाद बाजार ने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए बाजार ऊपर चलने लगा है, और उसके बाद लगातार बाजार में बाइंग हुई। तो यहाँ पे बाजार देखिए, बाजार अपने लेवल्स पे चलता है, मैं हमेशा कहता हूँ बिना टेक्निकल्स के बाजार में कुछ नहीं होता। तो यहाँ से बाजार ने कोई आपको सिग्नल नहीं दिया, बट जब यहाँ बाजार ने एक 594 के आसपास के लेवल को, जो एक सपोर्ट था, उसको तोड़ के ऊपर की तरफ चलने लगा है, तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो 623 का है वो उसने ब्रीच किया है, उसको अप्रोच किया है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 642 के वो टिका है, और 666 के आसपास का हाई लगाया था, उसको तोड़ने के बाद बाजार ने अगला हाई 671 के आसपास तोड़ने के बाद बाजार ने नया हाई 701 के आसपास लगाया था, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ ले आते हैं इंडिकेटर, 701 के आसपास, 701 एग्जैक्ट निफ्टी फ्यूचर ने लगाया है दोस्तों। मतलब बाजार में ये जो रेड कैंडल लंबी सी दिखाई दे रही, ये वो टाइम था, हम देख सकते हैं 2:30 बजे, 2:30 बजे जिस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनाउंसमेंट किया आरबीआई गवर्नर ने। और आरबीआई गवर्नर ने रेट अनाउंस क्या किया, चलिए हम मनी कंट्रोल की साइड पर चल पड़ते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि वहाँ हुआ क्या है। देखिए बहुत बहुत क्लियर लिखा है इस पे कि आप देख सकते हैं, कोई भी न्यूज़ आपसे छुपी नहीं रह सकती दोस्तों। बस आपको आज की डेट में थोड़ा एजुकेटेड होना है, गूगल का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। RBI raised repo and reverse repo rate by 25 basis points to 6.25 and 6। तो आप देख लीजिए, और इसका ये क्यों किया गया, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रही है, ठीक है। तो ये सब जब भी ऐसा होता है कि बाजार में महंगाई तेज होती है, तो मनी मार्केट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है RBI, जब इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ोतरी की जाती है। और आप देखेंगे इसमें बहुत क्लियर है कि 28 मई को ही स्टेट बैंक ने 20 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा दिया था अपने प्राइसिस को। और इससे क्या होगा, इससे क्या कहते हैं, बैंकों पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला है, और बाजार ने, बैंक्स ने इसका स्वागत किया है, इसको खबर को पहले ही डिस्काउंट कर दिया था। देखिए 3 दिन पहले जब बाजार 26,899 से बैंक निफ्टी टूटी थी, और 26,100 तक आ गई थी, आज वो निफ्टी, बैंक निफ्टी 26,400 तक वापस रिवाइव हो गई, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी भी देख लेते, बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। ये आज का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी ने भी नेगेटिव शुरुआत की थी, उसके बाद जैसे ही उसने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, बाजार में लगातार बाइंग है। उसने उसको सिर्फ 2:30 बजे के आसपास तोड़ने की कोशिश की थी। 2:30 बजे कैंडल देखिए, कितना वोलेटाइल कैंडल है दोस्तों, कितना वोलेटाइल कैंडल है। बॉडी शॉर्ट है, बट लेग्स बहुत लंबी लंबी हैं। उसके बाद बाजार ने वापस रिवाइव किया, और बाजार ऑलमोस्ट दिन के हाई के आसपास 414 पे बंद हुआ, जबकि हाई इसने 445-46 के आसपास का लगाया है, उसके बाद वहाँ बंद किया है। तो दोस्तों आज का मिला जुला असर रहा, और बैंकों ने इसका स्वागत किया है, और RBI पॉलिसी ओवरऑल एक सही पॉलिसी रही है बैंकिंग के हिसाब से, और बाजार को वापस दम देते हुए। और जहाँ तक ऑप्शन इंटरेस्ट चार्ट की बात है, जब हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे भी 10,600 के आसपास, 10,600 में आप ये देखिए 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटिंग हुई है। मतलब 600 से बाजार ऊपर देख रहे थे, एक बार दिन में 10 लाख तक ऑप्शन राइटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से बाजार 700 तक टच हो गया। और नीचे में आप ऊपर में देखेंगे तो कॉल साइड में कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं आज ऐड हुआ है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट की जो रेशियो चल रही है, ये दोस्तों 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 पलट रही है। कल कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था और पुट में कम था, और आज बाजार बंद होते होते पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। मेरे हिसाब से जो कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर, मैं इसको कहता हूँ, ये आपको विपरीत दिशा दिखाता है। तो मुझे लगता है बाजार में वापस से तेजी की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों आज का निफ्टी का एनालिसिस वीडियो इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और वीडियोस को देखते रहें और डेली के एनालिसिस सीरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ डेली मिलती रहेंगी, एनालिसिस करेंगे कि आज क्या बैंक निफ्टी ने किया, क्या निफ्टी ने किया और कौन कौन सेक्टर्स है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ हम ऐड करना कर लेते हैं हमेशा की तरह से, जो कल की हम FIs DIs एक्टिविटी देख लेते हैं। FIs ने, मैंने आपको बताया था, 4 तारीख को देखिए बाइंग की थी जम के, और कल खाली 157 करोड़ की सेलिंग की है, मतलब बहुत ही मामूली सी सेलिंग थी। देखना है कि आज रात का डाटा कैसा होगा जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं, कि उन्होंने बैंकों में जम के खरीदारी की है या बिकवाली की है, ये हमें शाम को 6-7 बजे के आसपास डेटा पता लग जाएगा। पर अब ये कल की इवनिंग का डेटा है और कल उन्होंने 157 करोड़ का माल बेचा था और जबकि हमारे DIIs ने 475 करोड़ के आसपास का माल खरीदा था। तो कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली नहीं है, ओवरऑल बाइंग ही देखने को मिली है। अभी तक पूरे महीने में टोटल बाइंग है 99 करोड़ के आसपास की, 4-5 दिन का ट्रेड अभी तक हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं मैं समाप्त करना चाहूँगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन अच्छे से अच्छे पहुँच जाए। दोस्तों एक नया वीडियो मैं इसी सीरीज़ में ऐड करने वाला हूँ जिसमें मैं वर्ल्ड के इंडेसेस जितने भी हैं, जो टॉप 20 वर्ल्ड मार्केट्स स्टॉक मार्केट्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको थोड़ा एजुकेशन भी मिले कि वर्ल्ड के कौन से ऐसे टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस हैं रैंकिंग के आधार पे, उनकी मार्केट कैप के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।